माय चैनल में आपका दुष्य वांगना लेकर आके एक नया ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ आर के पुरम, तो चलिए आज आपको दिखाते हैं आर के पुरम। जा रहा हूँ दीदी से मिलने, दीदी भैया लोग सबसे। और पीछे मेरी बस चली गई क्योंकि मैं अभी स्टैंड पे नहीं था, अगर स्टैंड पे होता तो मेरी बस मिल जाती। तो चलिए बस स्टैंड तक जाते हैं अभी पहले। मौसम सही हो रखा है, ओके ओके, एक बस तो निकल ली, अब दूसरी बस का वेट करना पड़ेगा यहाँ से। तो चलिए चलते हैं बस स्टैंड। दोस्तों बस से मैं उतर चुका हूँ आर के पुरम सेक्टर 8 बस स्टैंड पे, और बस अब आगे जा रहे हैं दीदी और के घर। और साथ ही साथ दीदी आ रही है, मतलब तो दीदी आजकल मायके आ रखी है मुलमास में, तो उसके बारे में भी आपको मैं आगे थोड़ा बता दूँगा क्या होता है वो सब। और अभी मेघना और निहारिका भी आने वाले हैं, तो एक तरीके से कज़न्स का मीटअप होने वाला है। तो बस चलते हैं। तो अभी यहाँ से मार्केट के रास्ते जाते हैं घर, क्योंकि बस यहीं पे रुकती है, अब यहाँ से अंदर जाएंगे। तो बस आ गए हम टावर की कॉलोनी में पहुँचने वाले, उसके बाद जाएंगे ऊपर, ये बैक साइड है। तो हम आर के पुरम पहुँच गए थे और अभी मेघना और भी आ चुके हैं, उनसे मिलाते हैं। बाकी अभी हम कहीं जा रहे हैं घूमने, दीदी और भैया सबसे मिलाते हैं। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय। ये रहे, ये भटकू इंसान है, भटके हुए। से हाय इन माय व्लॉग। हाय हाय, यहाँ पे भैया है, भैया दीदी। कहाँ जा रहे दीदी? हम जा रहे हैं एम्बियंस मॉल। लोकेशन क्या है? वसंत कुंज। ओके चलिए चलते हैं। बाय बाय। यहाँ पे दिख रहे हैं। और आज कल भैया की कार को 1 ईयर कंप्लीट हो गए, हैप्पी बर्थडे विश कर दो कार के लिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. DLF तो नहीं जा पाए हम, एम्बियंस नहीं जा पाए। अब हम आ गए हैं MD। हम लोगों को एम्बियंस में पार्किंग नहीं मिली, तो अब हम आ गए हैं MD INA के पास। वो दिखाते हैं क्या करते हैं, क्या खाते हैं। Here is late night party. तो लेट नाइट पार्टी हो रही है और कल सबका फास्ट है, तो इसलिए 12 बजे से पहले खा लेते हैं। ये लीजिए, 12 बजे से पहले ख़त्म करना है। और हमें बहुत टेंशन हो गई थी कहीं 11:55 पे ना आ जाए, तो 5 मिनट में हमें खाना पड़ेगा। तो मेघना हमें ट्रेन करने वाले थे कि कैसे खाना है, बट ऐसी नौबत नहीं आई है, तो हम अभी खा रहे हैं। और मैं भी हेयर निन्नी कोल्ड ड्रिंक बाटी बाटी है। 2000 years later। तो दोस्तों सुबह का वक्त हो गया है और उठ के रेडी वेडी हो गए हैं,
बाकी आज है सावन का दूसरा व्रत, व्रत रखा हुआ है नीम मेघना और मैंने भी रखा हुआ है, तो बस अभी देखते हैं क्या करते हैं अभी। तो अब जा रहे हैं हम एसन, इसके बाद अभी पहले मंदिर जाएंगे। तो अभी चल रहे हैं मुलमास का महीना, जिसमें मतलब जो लड़की होती है वो शादीशुदा नई चीज़ की शादी होती है, तो वो लोग अपने पति का चेहरा और मतलब नहीं देखते, तो इसलिए दीदी भी यहाँ पे आ रखी है एक महीने के लिए मुलमास के महीने में। और ऐसा हर गढ़वालियों में तो होता ही है, बाकी देसियों में पता नहीं, हमारे यहाँ तो होता है। ताई ताई बाय 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 बाय, चलो आ जाओ निन्नी आ जा। सबने ट्रेडिशनल पहना हुआ है और अब हम जा रहे हैं एसएन मार्केट। मुझे तो कुछ नहीं लेना, बट मेघना को करनी है शॉपिंग। तो मेघना अब कॉलेज वाली बनने वाली है, तो उनको थोड़ा शॉपिंग करनी है आज। आज जा रहे हैं एसएन, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो सरोजनी पहुंच चुके हैं और अभी कुछ लग ही रहा है मार्केट पूरा। दोस्तों मैं कल घर आ गया था और उसके आगे मैंने ब्लॉग शूट क्यों नहीं करा, क्योंकि कल हो गई थी दिक्कत। एक दिक्कत क्या हो गई थी कि मतलब मेरे को हो गया था आई फ्लू, और अभी भी आप मेरी आँख में देख सकते हो हल्की हल्की, मतलब ऐसी ब्लर सा लग रहा था मुझे हल्का हल्का। और आई फ्लू आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, सबको ही हो रहा है, क्योंकि जो हीट वेव्स है बहुत ख़तरनाक वेव्स भा रहे हैं। और मैं जैसे सरोजनी में था तो मेरी आँखों में मतलब जलन सी होने लगी थी, तो फिर उसके बाद जैसे मैं घर आया तो मेरे भाई को भी हो रखा था, कल ही पता चला मुझे मेरे भाई को भी हो रखा है। फिर वो डॉक्टर पे गए थे दवाई लेने, तो फिर हमने दवाई ववाई डाली और अब थोड़ा ठीक है। पर आप लोग भी ध्यान दीजिए, चश्मे वश्मे पहन लीजिए, क्योंकि धूप में बहुत ज़्यादा एकदम डायरेक्ट पड़ रही है तो बड़ी दिक्कत हो जा रही है। तो इसलिए बस यही बताना था कि आई फ्लू हो रहा है और आप लोग भी ध्यान दीजिए, मुझे भी हो गया है। और अभी मैं तो प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, और आँख पे बार बार हाथ से मत टच करिए, हैंकी रखिए और उसको मतलब हाथ को भी सैनिटाइज करते रहिए कि दूसरों को भी ना हो मतलब। तो बस बी सेफ रहिए, और धूप में जाना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ काम से, पर चश्मे वश्मे लगा के, और आप अगर चाहो तो एक दिन रेस्ट भी कर सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और बाकी गर्मी में मतलब पसीना नहीं आना चाहिए आपकी आँखों में, उससे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।